हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ, क्लास इलेवेंथ हिंदी मीडियम आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों का चैप्टर 5 तक कंप्लीट हुआ है। इसके पहले ऑनलाइन क्लासेस में आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भेजे गए हैं, नोट्स भी भेजे गए हैं। ठीक है, और टाइम टाइम पे आपको हर तरह से वीडियो, नोट्स और आप अपने बुक से, ठीक है, ये वीडियो है, नोट्स है, बुक है, ये सब हेल्प लेके, और आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करना है, समझना है और एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, तो आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो चैप्टर 6 है, वो चैप्टर 6 का नाम है वृत्तीय गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति में सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम जो है वृत्तीय गति, उसका मीनिंग समझेंगे कि वृत्तीय गति क्या है। ठीक है, तो इसके पहले भी वृत्तीय गति की बात आई थी तो आपको बताया गया था। तो द्विविमी गति में भी वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति का करके है टॉपिक, इसमें बताया गया था। आज आपको पुनः समझना है कि वृत्तीय गति क्या है। तो वृत्तीय गति आपको ये समझना है कि वृत्तीय गति जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मान उससे एक समान दूरी बनाई रखती हुई उस बिंदु के चारों ओर गति करती है, तो वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु, निश्चित शब्द इसलिए कहा गया है कि गति के दौरान ये बिंदु परिवर्तित नहीं होता है बल्कि एक फिक्स पॉइंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए निश्चित कहा गया। तो जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर और उस निश्चित बिंदु से वस्तु की दूरी एक समान बनाई रखती हुई, माने पूरी गति में जो दूरी है निश्चित बिंदु से और वस्तु के बीच की दूरी है वो सदैव एक समान रहती है। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी बनाई रखती हुई जब कोई वस्तु गति करती है तो इस तरह की वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इस तरह वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। अब इस निश्चित बिंदु को कहा जाता है वृत्तीय मार्ग का केंद्र। ठीक है, जो निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर वस्तु गति करती है वो बिंदु कहलाता है वृत्तीय मार्ग का केंद्र। ठीक है, और दूरी जो वो वस्तु निश्चित बिंदु से वस्तु अपनी दूरी एक समान बनाई रखती हुई गति करती है तो उस निश्चित दूरी को कहा जाता है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, क्योंकि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या एक समान होती है। मतलब निश्चित बिंदु से लेके वस्तु के बीच की दूरी गति के दौरान सदा एक समान रहती है, तो इस निश्चित दूरी को वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आज इस टॉपिक में आपका पहला टॉपिक है अवकेंद्री त्वरण। अवकेंद्री त्वरण, त्वरण की परिभाषा आप जानते हैं, वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन अभिकेंद्री शब्द जुड़ा है, अभिकेंद्री। तो अभिकेंद्री का मतलब है कि जब कोई भी वस्तु वृत्ति गति करती है तो वस्तु पर एक प्रकार का त्वरण लगता है, लेकिन इस त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण की जो दिशा होती है वो वृत्त के केंद्र की ओर होती है, इसलिए उसकी दिशा निश्चित करने के लिए जो इसमें शब्द जोड़ा गया है वो अभिकेंद्री, केंद्र की ओर जिसकी दिशा हो, जिस त्वरण की दिशा हो, तो उसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी वस्तु एक समान चाल से वृत्ति गति करती है,
अब यहाँ चाल तो एक समान रहती है, तो फिर त्वरण उत्पन्न होने का कोई अभिप्राय नहीं है, किंतु चाल का परिमाण एक समान रहता है, लेकिन गति के दौरान वस्तु के वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है और वेग एक सदिश राशि है। यदि वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो जरूर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु में एक प्रकार का त्वरण लगेगा, और कोई भी त्वरण बिना कोई बाह्य बल के उत्पन्न नहीं होता, तो वस्तु पर एक प्रकार का बल भी लगेगा। तो जिस तरह से त्वरण को हम अवकेंद्री त्वरण कहते हैं, उसी तरह से वृद्धि गति के दौरान वस्तु पर लगने वाले बल को हम अवकेंद्री बल कहेंगे। ठीक है, तो फिर बल हम आगे देखेंगे, अभी आपको अवकेंद्री त्वरण समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु वृद्धि गति कर रही है और किसी भी समय वस्तु की स्थिति ए पर है, किसी समय वस्तु की स्थिति जो है ए पर है। अब हम वृद्धि गति के दौरान किसी भी बिंदु पर जो वस्तु के वेग की दिशा है, हम उस बिंदु पर खींचे गए एक स्पर्श रेखा की दिशा होगी। जैसे बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये स्पर्श रेखा की दिशा जो होगी वो बिंदु ए पर वृद्धि गति करते हुए कण की दिशा होगी या वस्तु की दिशा होगी। अब डेल्टी समय पश्चात, मान लीजिए डेल्टी समय के पश्चात वस्तु ए से बी तक पहुंच जाती है, और उस समय बिंदु बी पर खींचे गए स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगी जो बिंदु बी पर वेग की दिशा बताएगी। मान लीजिए कि बिंदु ए पर वेग v1 है और बिंदु बी पर वेग v2 है। अब ये दोनों स्थितियों के बीच जो वस्तु केंद्र पर कोण आंतरित करती है वो है डेल थीटा। कितने समय में? डेल्टी समय में। तो डेल्टी समय में वस्तु डेल थीटा कोण आंतरित करती है। तो आपको ये देखना है कि दो वेग हुआ, एक हुआ वेग भी वन और दूसरा वेग हुआ भी टू। अब हमको वेग में परिवर्तन ज्ञात करना है कि बिना वेग में परिवर्तन हम ज्ञात किए बिना त्वरण की गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यदि हमको भी टू माइनस भी वन ज्ञात हो जाए और समय हमको मालूम है डेल्टी, तो हम इस तरह से भी टू माइनस भी वन अपॉन डेल्टी का उपयोग करके और त्वरण की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ दो वेक्टर हैं, एक भी वन है दूसरा भी टू है। देखते हैं हम चित्र में जो दिशा भी टू की है उसी दिशा में ये वेक्टर को रखा गया है, माइनस वेग भी वन है उसकी भी दिशा न परिवर्तित करते हुए यहाँ भी वन रखा गया है और दोनों के बीच माइनस लगाया गया है, मतलब भी टू माइनस भी वन ज्ञात करना। तो भी टू की दिशा तो हम ज्यों की त्यों रखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भी वन की दिशा परिवर्तित कर देते हैं। भी वन की दिशा अपोजिट किए तो भी वन की दिशा हम माइनस भी वन लिख दिए। ठीक है, यदि भी वन की दिशा ऊपर की ओर है तो माइनस भी वन की दिशा नीचे की ओर लिए, तो ये माइनस भी वन और दोनों के बीच हम प्लस कर दिए। एक ही चीज है, भी टू और माइनस भी वन सदिश को जोड़ दो या भी टू में भी वन को घटा दो, है ना, क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस चिन्ह है तो घटाना ही होगा। लेकिन अभी हम सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से पढ़ें, तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम हम लगाएंगे, योग का नियम। ठीक है, इसलिए हम ये दोनों सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो इसका परिणाम ही त्रिभुज की तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगी जो विपरीत क्रम में होगी। पहले आपको बताया गया है कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि भी वन ये सदिश को हम भी वन इस दिशा में लिए, भी टू सदिश ये है इसकी दिशा हम नहीं बदले। अब हम ये देखते हैं कि ये भी वन और भी टू जो वेग की दिशा है उसके बीच का कोण डेल थीटा है। कितने समय में? डेल्टी समय में। मान लीजिए हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से एक एक सदिश भी टू ये है, भी वन ये है, तो एक ही दिशा में इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में है।
लेकिन इसका परिणामी जो डेर भी होगा वो विपरीत क्रम के होगा, ये क्लॉकवाइज में वी टू की डायरेक्शन ये है, वी वन की ये है, ठीक है। तो इस तरह डायरेक्शन है, तो जो परिणामी सदिश होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो ये डेर भी जो है वो वेग में परिवर्तन है जो परिणामी हो। तो इस तरह से हम ये देखें कि माना एक कणवृत्ति मार्ग पर एक समान चाल भी से घूम रहा है, वृत्त का केंद्र ओ तथा वृत्त की त्रिज्या ओए बराबर आर है। चित्र से स्पष्ट है किसी भी क्षण कण के वेग की दिशा उस क्षण वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश हो। ये मैं अभी बताया आपको कि किसी भी क्षण वेग की दिशा ए और बी पर उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा होगी। माना किसी क्षण टी पर कण की स्थिति ए पर है, जहां पर रैखिक वेग वी वन है। क्षण टी प्लस डेल्टी पर कण की स्थिति बी पर है, जहां रैखिक वेग क्या है वी टू है। दिशाओं में अंतर डेल थीटा, वस्तु के वेग की दिशाओं में अंतर डेल थीटा है, मतलब दोनों दिशा के बीच का कोण डेल थीटा है। जहां डेल थीटा डेल्टी समय में घूमा गया कोण है, तब वेग में परिवर्तन डेल वी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन कहा जाएगा। और इस तरह से हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हमको सूत्र मालूम है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अर्थात यदि हम कोण ये डेल थीटा लेते हैं, डेल थीटा और ये दोनों एक तरह के लिए वो केंद्र है ओ है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये डेल भी होगा एक तरह का चाप होगा, और ये वी टू और माइनस वी वन में कोई भी एक ले लेंगे जो त्रिज्या होगी, और हम त्रिज्या यहाँ पर अदिश में लेंगे, केवल उसके परिमाण को लेंगे, दिशा को नहीं लेंगे। तो हम इसको माइनस वी वन मापांक या वी टू मापांक को हम केवल भी से लिख लेंगे। तो इस तरह से डेल थीटा बराबर डेल भी मतलब चाप बटे त्रिज्या माइनस वी वन वेक्टर का मापांक, तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि डेल थीटा इक्वल टू डेल भी अपान माइनस वी वन वेक्टर का मापांक। और ये मापांक किसी सदिश का मापांक एक अदिश राशि होती है, तो ये डेल भी अपान भी आया समीकरण नंबर एक के लिए। अब हम जानते हैं कि कोणी वेग ओमेगा बराबर कोणी विस्थापन बटे समय, कोणी विस्थापन यह डेल थीटा है, लगा समय डेल्टी है, तो ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल्टी, ये कोणी वेग हुआ, या हम क्रिया गुणा करेंगे तो डेल थीटा इक्वल टू ओमेगा डेल्टी, ये समीकरण नंबर दो हुआ। हम देख रहे हैं समीकरण एक में ये डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन वी मिला, समीकरण दो में हमको डेल थीटा इक्वल टू ओमेगा डेल्टी मिला। अब ये दोनों डेल थीटा के मान हैं, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण एक और समीकरण दो की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, दोनों डेल थीटा के मान की तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि डेल वी इक्वल टू वी ओमेगा डेल्टी, ठीक है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड यदि सेम है, ये दोनों डेल थीटा सेम है, तो ये भी दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से डेल वी इक्वल टू वी ओमेगा डेल्टी या डेल वी अपॉन डेल्टी इक्वल टू वी ओमेगा। अब आपको ये डेल वी अपॉन डेल्टी जो है वो वेग में परिवर्तन बटे समय है, और वेग में परिवर्तन बटे समय जो आपको मालूम है कि ये इससे हमको त्वरण मिलता है, वेग में परिवर्तन बटे समय से हमको क्या मिलता है, त्वरण। तो हम त्वरण के पद तक आ गए, तो डेल वी अपॉन डेल वी इक्वल टू वी ओमेगा। किंतु इसके पहले हम एक दिन आपको बताए थे कि कोणी वेग और रेखी वेग में संबंध, कोणी वेग और रेखी वेग में संबंध, तो कोणी वेग और रेखी वेग में संबंध होता है वी इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब रेखी वेग बराबर वृत्ति मार्ग की त्रिज्या गुणे कोणी वेग, वृत्ति मार्ग की त्रिज्या स्मॉल आर गुणे
गुणे कोणी वेग, कोणी वेग को ओमेगा से लिखा जाता है, वृत्ति मार्ग की त्रिज्या को स्मॉल आर से, और रेखी वेग को भी से लिखा जाता है। तो हमको रेखी वेग और कोणी वेग में संबंध मालूम है कि भी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। हम इससे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल देंगे। तो ओमेगा इक्वल टू मिलेगा भी अपॉन आर, आर ओमेगा इक्वल टू भी, तो ओमेगा इक्वल टू भी अपॉन आर, ये कोणी वेग ओमेगा का मान हुआ। अब हम यहाँ पर जो डेल भी अपॉन डेल टी इक्वल टू भी ओमेगा है, यहाँ से भी ओमेगा की वैल्यू हम भी अपॉन आर रख देंगे, तो आगे की स्टेप फिर हमको ये परिवर्तित हो जाएगा, डेल भी अपॉन डेल टी इक्वल टू भी ओमेगा, तो इसका रूप चेंज होगा, तो डेल भी अपॉन डेल टी इक्वल टू भी की जगह भी और ओमेगा की जगह भी अपॉन आर, क्योंकि यहाँ हम ओमेगा इक्वल टू भी अपॉन आर ज्ञात किए, ठीक है। तो ये हमको मिला भी स्क्वायर अपॉन आर, और डेल भी अपॉन जो डेल टी है वो त्वरण है, और ये त्वरण किस तरह का त्वरण है, वृत्ति गति करती हुई कण पर वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, तो ये त्वरण को हम अवकेंद्री त्वरण कहेंगे। तो इस तरह से अवकेंद्री त्वरण ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा अवकेंद्री त्वरण का व्यंजक हुआ, अवकेंद्री त्वरण का व्यंजक। और भी इसका रूप है, हम चाहें तो भी इक्वल टू आर ओमेगा कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसका रूप और भी बदल जाएगा, जैसे आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, एक से आर कैंसिल होगा तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो दूसरा फॉर्म हो जाएगा अवकेंद्री त्वरण बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, या अवकेंद्री त्वरण इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर, भी को हम रिप्लेस कर देंगे आर ओमेगा से, तो इस अवकेंद्री त्वरण का वैल्यू मिल जाएगा ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, किस तरह से। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अवकेंद्री त्वरण का व्यंजक ए इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन आर या ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर हम फाइंड किए, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी त्वरण, अब देखिए यहाँ पर त्वरण का व्यंजक निकला, तो इसका इस क्लियर हुआ कि वृत्ति गति के दौरान वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होने के कारण वस्तु पर वृत्त के केंद्र की ओर एक प्रकार का त्वरण लगता है, और ये त्वरण चूंकि वृत्त के केंद्र की ओर होती है इसलिए इसको हम अवकेंद्री त्वरण कहते हैं, और इसका मान आता है अवकेंद्री त्वरण ए बराबर भी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप ये देखें कि कोई भी त्वरण कोई बिना बाह्य बल के उत्पन्न नहीं होता है, जब हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तब उसके वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तो अवश्य ही यदि वस्तु वृत्ति गति के दौरान उस पर एक प्रकार का अवकेंद्री त्वरण कार्यशील होता है तो वस्तु पर एक प्रकार का बल भी लगेगा, तो इस और जो त्वरण की ही दिशा में होगी, तो इस तरह के बल को हम कहते हैं अवकेंद्री बल। तो अवकेंद्री बल की गणना हम करेंगे, तो देखेंगे कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इस तरह से बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब यहाँ हम अवकेंद्री बल के पदों में बताएंगे, तो अवकेंद्री बल बराबर द्रव्यमान गुणे अवकेंद्री त्वरण, अवकेंद्री बल बराबर द्रव्यमान गुणे अवकेंद्री त्वरण। तो लगने वाला बल को F से डिनोट किए, तो F इक्वल टू द्रव्यमान को हम स्मॉल F से लिए, और अवकेंद्री त्वरण को जो हमने अभी व्यंजक ज्ञात किया है भी स्क्वायर अपॉन आर, तो F इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर, ये अवकेंद्री बल का व्यंजक है, याद रखेंगे आप। तो जब कोई भी वस्तु वृत्ति गति करती है तो उसमें एक प्रकार का त्वरण
कार्यशील होगा, अवकेंद्री बल लगेगी। अब हम अवकेंद्री बल के कुछ उदाहरण हमारे पास, ठीक है, तो अवकेंद्री बल के उदाहरण आपको ध्यान देना है, कुछ वृत्ति गति के उदाहरण। जैसे सबसे सरल उदाहरण वृत्ति गति का यदि कहा जाए तो हम ले रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, ठीक है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु है ना, किसी भी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। हर परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा आरेखों में विभिन्न कक्षाओं में जो है विभिन्न परमाणु त्रिज्या लेकर वो नाभिक से अलग अलग दूरियों पर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ भी एक प्रकार का वृत्ति गति हुआ कि कोई भी किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्ति कक्षा में गति करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी एक प्रकार का अवकेंद्री बल लगेगा। और ये अवकेंद्री बल उसको मिलता कहाँ से है, ये भी हम आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो एक प्रकार के विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विपरीत आवेश है उनके बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से मिलता है ये अवकेंद्री बल। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर एक प्रकार का अवकेंद्री बल लगेगा, ठीक है। और ये अवकेंद्री बल विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण आप अवकेंद्री बल का ले सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये भी हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी लगभग वृत्तीकार मार्ग में दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करती है, तो यहाँ भी एक प्रकार का वृत्ति गति की स्थिति बनती है। अतः सूर्य और पृथ्वी के बीच भी एक प्रकार का आकर्षण बल मिलेगा और ये आकर्षण बल आवश्यक अवकेंद्री बल प्रदान करेगा। तो इस तरह से अवकेंद्री बल वृत्ति गति करती हुई कण के लिए एक आवश्यक गति है। और भी उदाहरण अवकेंद्री बल के हैं, है ना, हमारे दैनिक जीवन में और भी है उदाहरण कि हम जब कोई भी रोड पर मोड़ पार करते हैं, ठीक है, तो हम मोड़ के केंद्र की ओर झुकते हैं। कोई साइकिल सवार मोड़ पार करता है तो थोड़ा मोड़ के केंद्र की ओर झुकेगा जिससे उसको मोड़ प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवकेंद्री बल, क्योंकि लगभग वहाँ मोड़ पर एक प्रकार की लगभग वृत्ति गति की स्थिति बनती है और वृत्ति गति के लिए अवकेंद्री बल आवश्यक है। तो वो अवकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए जो है साइकिल सवार मोड़ के केंद्र की ओर आवश्यक अवकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए झुकता है और बहुत सुरक्षित ढंग से वो मोड़ पार कर लेता है, ठीक है। अब और भी है, जैसे कोई भारी वाहन है ना, तो उसको तो नहीं झुकाया जा सकता, तो इसके लिए क्या करते हैं कि मोड़ पर जो रोड का बाहरी किनारा है वो थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर उठा दिया जाता है, मोड़ के केंद्र की ओर ढलान कर दिया जाएगा और सड़क का बाहरी किनारा मोड़ पर थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है जिससे मोड़ पर कोई भारी वाहन जब पार करती है तो थोड़ा सा वो मोड़ के केंद्र की ओर अपने आप झुकता है जिससे उसे मोड़ पार करने के लिए सुरक्षित रूप से आवश्यक अवकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे और पूरी कॉपी कंप्लीट करेंगे। 5 चैप्टर तक जो भी यूट्यूब वीडियो थे भेजे गए, आपको नोट्स भेजे गए, है ना, बुक आपके पास है, आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। आप पढ़िए, मेहनत करिए और कंप्लीट करिए, ठीक।